हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं त्रिपुरा जेईई 2020 एडमिट कार्ड के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, त्रिपुरा जेईई 2020 का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से अपना त्रिपुरा जेईई 2020 का एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, उसकी ऑफिशियल अथॉरिटी क्या है, उसको कौन है, उसकी ऑफिशियल लिंक आपको कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज़ फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि अगर त्रिपुरा जेईई 2020 का कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है या कोई भी न्यूज़ आती है उसके रिगार्डिंग, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं त्रिपुरा जेईई 2020 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउजर पे जो है google.com ओपन कर लेना होगा, और google.com ओपन करते ही वहाँ पे सर्च करना है त्रिपुरा जेईई 2020 एडमिट कार्ड, और आगे लिखना होगा cet.co.in। अब आप लोगों का cet.co.in लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी गाइस, क्योंकि ये किसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ सिंपली एक क्लिक से आप अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको सिंपली इसे जो है सर्च कर लेना होगा गूगल में। जैसे आप इसे गूगल में सर्च करेंगे तो जो सबसे पहला रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है गूगल में, आपको उसे क्लिक करके उसे ओपन कर देना होगा। जैसे आप उसे क्लिक करके उसे ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऊपर हेडिंग में ही लिखा हुआ है त्रिपुरा जेईई 2020 एडमिट कार्ड रिलीज, यानी कि आप लोगों का एडमिट कार्ड जो रिलीज हो चुका है। थोड़ा नीचे आने पे गाइस, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छी तरह से आप लोगों की स्क्रीन पे दिखाई दे। सो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं त्रिपुरा जेईई एडमिट कार्ड 2020 हैज बीन अवेलेबल ऑन 20th September, यानी कि आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है रिलीज हो चुका है, अवेलेबल है। अब एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है, तो गाइस उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करा दी है, आपको उस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली इस पेज पे यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पे नोटिफिकेशन कॉलम पे आना होगा। जैसे आप नोटिफिकेशन कॉलम पे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक कर टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। तो आप चाहे तो डायरेक्ट गूगल से सर्च करके भी यहाँ पे आ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई उस पर क्लिक करके भी डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक कर टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, न्यू पेज ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं जिसका कुछ इंटरफेस इस तरह से दिखाई देगा आप लोगों को। सो गाइस यहाँ पे आप इस इंटरफेस में आपको यहाँ पे जो है राइट हैंड साइड में दिख रहा है लॉगिन करना बताया हुआ है आपको, तो आप यहाँ पे जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या तो फिर अपना ईमेल आईडी डाल के जो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपने डाल दिया, उसके बाद सिंपली आप लोगों को अपना पासवर्ड एंटर करना होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज़ किया होगा, और यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आपको ऊपर ब्लैक बॉक्स में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, सेम एज इट इज आपको जो है नीचे लिखना है। अगर ऊपर जो है कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो आपको भी जो है कैपिटल लेटर ही यूज करना होगा, और अगर ऊपर स्मॉल लेटर में है तो आप भी स्मॉल लेटर में लिखे, क्योंकि एक केस सेंसिटिव तो एज इट इज सेम टू सेम आपको नीचे टाइप करना होगा। सिंपली यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना होगा, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने जो है प्रोफाइल में लॉगिन हो जाएंगे और वहां से आप अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। सो गाइस आई होप अभी आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करा दी, वहाँ से आप डायरेक्टली ऑफिशियल लिंक पे वहाँ पे भी रीच आउट कर सकते हैं। सो गाइस आई होप अभी आपको कोई भी इशू नहीं होगा, और अगर फिर भी कोई भी इशू होता है या कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं जरूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको त्रिपुरा जेईई का जो एडमिट कार्ड जैसे डाउनलोड करने में हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।